हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15। तो चैप्टर नंबर 14 तक हमारी पूरी शॉर्ट हैंड कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम 64 नंबर पॉइंट हाल्विंग का पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 15 में आता है। तो हमने हाल्विंग प्रिंसिपल पढ़ा था, TND की जब साउंड ऐड होती है तो वो हमने हाल्विंग प्रिंसिपल पढ़ा था। तो ये हाल्विंग भी हमारा ऐसा ही है, पर ये हमारा M और N कॉन्सोनेंट्स के लिए है। तो जैसे इसके अंदर ये पॉइंट बताया गया है, द स्ट्रोक M एंड N आर हाल्व एंड थिकन टू इंडिकेट अ फॉलोइंग D। जब M और N के अंदर D की साउंड अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, M और N के अंदर जब हम D की साउंड ऐड करेंगे, तो उस कंडीशन में जो हमारा M और N कॉन्सोनेंट है वो हमारा हाल भी होगा और थिकेंड मतलब डार्क भी बनेगा। ठीक है, थिकेंड बनेगा। तो कहने का मतलब यही है पूरा कि जब हमारे M और N के अंदर D की साउंड ऐड होगी, तो उस कंडीशन में M या N कॉन्सोनेंट हमारा डार्क बनेगा और हाल भी होगा, थिकेंड बनेगा। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं मेड, तो मेड के अंदर जो हमारी M की साउंड है आ रही है, एम के बाद ए की वोवल की साउंड, फिर डी की साउंड आ रही है। तो डी की साउंड अगर हम ऐड करते हैं इसके अंदर, तो एम कॉन्सोनेंट हमारा हाल भी बनेगा और थिकेंड मतलब डार्क भी बनेगा। ये हमारा एम डार्क बना हुआ है, तो उसको हम मेड पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा मैड, MAD मैड, एम के अंदर डी की साउंड ऐड, ए का वोवल मैड, मैडम मै डम, तो एम है वो डी की साउंड के लिए हाल हो गया, फिर हमारा एम बन गया मैडम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोडरेट, मोडरेट दोनों हाल हुए हैं, पर जो हमारा आर है वो टी के साउंड के लिए हाल हुआ है, मोडरेट। नेक्स्ट है मॉडर्न, मॉडर्न, मॉडर्न। नेक्स्ट है मिडल, मिडल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर सीम्ड, सीम्ड। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा नेम्ड। तो जैसे सभी एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और देखना है हमारे कौन सा हाल्व होगा, एम होगा या एन होगा। तो इसके अंदर नेम्ड आ रहा तो एम इसके अंदर हाल्व होगा, कि एम के बाद हमारी डी की साउंड आ रही है नेम्ड, तो एम इसके अंदर हमारा हाल्व भी होगा एंड ठीक एन भी होगा नेम्ड। नेक्स्ट है एशेम्ड, एशेम्ड। नेक्स्ट है एश्यूम्ड, दोनों वर्ड एक जैसे ही बनेंगे, नहीं इसमें एस की साउंड आ रही है, इसमें शी की साउंड आ रही है, assumed। नेक्स्ट है एंड, एगोवल फिर एन डी एंड। नेक्स्ट है सेंड, सेंड। साइंड जैसे नेक्स्ट नंबर है साइंड, एंड इसके अंदर हाल्व हो गया। नेक्स्ट है साउंड एग्जांपल, साउंड आउकावल साउंड, इंटेंड। नेक्स्ट है थाउजेंड, एंड इसके अंदर हाल्व और डार्क हो गया थाउजेंड। नेक्स्ट है डिजाइंड, नेक्स्ट है टेलीफोन्ड, टेलीफोन्ड, एफ के बाद हमारा एन डी के लिए हाल्व हो गया टेलीफोन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है इंडिकेट, इंडिकेट, के हमारे टी की साउंड के लिए हाल्व हो गया और एन हमारे डी की साउंड के लिए हाल्व हो गया इंडिकेट। नेक्स्ट है अनडाउटली, अन डाउटली। नेक्स्ट है नीर। तो इन्हीं सभी की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सभी एग्जांपल्स की। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी इसके अंदर तो आप इसके कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। इसके बाद हम बी पॉइंट पढ़ते हैं। जब बी पॉइंट है इसके अंदर हमारा डाउनवर्ड एल एंड डाउनवर्ड आर से, तो डाउनवर्ड एल एंड डाउनवर्ड आर आर हाल्व्ड एंड थिकेंड टू इंडिकेट फॉलोइंग डी। तब जब डाउनवर्ड एल और डाउनवर्ड आर के अंदर जब हमारी डी की साउंड ऐड होगी, ये हमारा एल है ये हमारा आर है, जब भी इसके अंदर हमारी डी की साउंड ऐड करेंगे इसके अंदर, जब तो उस कंडीशन में हमारा एन जो एल जो है डाउनवर्ड हाल भी होगा एंड थिकन भी होगा। इसमें जिस कंडीशन में हमारी एम और एन वाली कंडीशन थी हाल एंड थिकन भी होता था, और इसी कंडीशन में हमारा एल जो है हाल्ड भी होगा एंड थिकन भी होगा, और आर की कंडीशन भी हमारी वही है, आर भी हमारा डाउनवर्ड वाला हाल भी हो गया और ठिकन भी होगा मतलब डार्क भी बनेगा जब हमारी इसके अंदर डी की साउंड ऐड होगी। तो यही पॉइंट है हमारा बी वाला, जैसे इसके अंदर एग्जांपल लिखा हुआ है बिल्ड, तो बी के साथ एल डाउनवर्ड
फिर डी की साउंड इसके अंदर ऐड हो जाएगी बिल। वैसे हम बिल बनाते हैं अपवर्ड वाला, इसके अंदर हम एल यूज़ करते हैं, पर जब हम इसके अंदर बिल्ड ऐड करेंगे डी की साउंड तो उस कंडीशन में हम डाउनवर्ड वाला एल यूज़ करेंगे और उसको हार्ड एंड टेकन भी करेंगे। ये हमारी कन्फ्यूज़न दूर करता है। इसके जैसे हम बेल्ट लिखते हैं तो इसके अंदर ये वाली कन्फ्यूज़न ये दूर करता है। जैसे इसका बिल्ड एग्जाम्पल लिख दिया, मेल्ड लिख दिया हमने एग्जाम्पल है एम की साउंड फिर एक और फिर एल डी, तो जिसके अंदर एल जो है वो डाउनवर्ड बना है और डी की साउंड इसके अंदर ऐड हो गई है और ठिकन भी ये बना है, डार्क भी बना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेल्ड, नेल्ड एल डाउनवर्ड डार्क भी बना है एंड हॉल्ट भी हुआ है नेल्ड। नेक्स्ट है फील्ड, फील्ड ठीक है एल डाउनवर्ड एंड ठिकन। नेक्स्ट है ओल्ड, ओल्ड एल हमारा डाउनवर्ड भी बना है ठिकन भी हो गया ओल्ड। नेक्स्ट है वर्ल्ड, वर्ल्ड एल ये रहा डाउनवर्ड एंड ठिकन। नेक्स्ट है फील्ड, फाइल्ड। नेक्स्ट है डिटेल्ड, डिटेल्ड ठीक है डिटेल्ड। नेक्स्ट है यील्ड, यील्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है फेल्ड, एफ ए का वोवल फिर एल हमारा डाउनवर्ड एंड ठीक एंड फेल्ड। इंस्टेल्ड, इंस्टिल्ड, इंस्टिल्ड। जैसे आप मैं फ्लो में वर्ड बनाना हो बिल्कुल आपको बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करनी है। जैसा मेरा आपको फ्लो देखना है कि कैसे मैं आपको फ्लो के साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा बोर्ड, सभी एग्जांपल्स को आपको देखना है जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बोर्ड जैसे एग्जांपल है आर डाउनवर्ड वाला आर किसके अंदर यूज़ हो गया डाउनवर्ड आर हमारा ठीक एंड एंड हॉल भी होगा बोर्ड डी के साउंड के लिए ऐड करने के लिए। नेक्स्ट है अपीयर्ड, है पी ईयर्ड आर इसके अंदर हॉल एंड ठीक एंड हो गया डी की साउंड के लिए अपीयर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा फे। नेक्स्ट है एफ्रोड, एफ्रोड जो हमारा आर में आर हमारा इससे स्टार्ट हो गया और हमारा हाल भी हो गया ठिकन भी हो गया एफ्रोड। नेक्स्ट एग्जांपल है डिजायर, डिजायर्ड, डी जायर्ड। नेक्स्ट है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड आर हमारा ठिकन एंड हाल भी होगा तो यहाँ से हमारा थिक बनना चालू हो जाएगा आर से ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा कार्ड, कार्ड आर हमारा ठीक है एंड हार्ड। नेक्स्ट है हमारा इंश्योर्ड, इंश्योर्ड। नेक्स्ट है एश्योर्ड ठीक है एश्योर्ड आर हमारा ठीक है एंड हार्ड। नेक्स्ट है हर्ड, अ का वोवल आर हमारा हस्कैंड एंड हाल्ड। नेक्स्ट है वायर्ड ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इसके अंदर स्टैंडर्ड, तो इसके अंदर हमारी डबल डी की साउंड आ रही है तो हमारा एस जो और टी है ये हमारा हाल्ड भी होगा हमारे डी की साउंड के लिए और ये जो हमारा आर है वो हमारी डी की साउंड के लिए हाल्ड भी होगा टिकन भी होगा स्टैंडर्ड। तो आपको साउंड को ध्यान रखना है कौन सी कहाँ पर साउंड रिप्रेजेंट हो रही है, तो डबल डी की साउंड हो रही थी इसलिए हमारे दोनों स्ट्रोक्स के अंदर हाल्ड हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर हमारा ऑर्डनरी, ओर्ड, ओर्ड नरी तुम्हारा आर है ठीक है एंड हाल भी हुआ है। तो इन्हीं सभी एग्जांपल्स की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज आती है 117 की, आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी भी फिनिश होती है।